अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन कि आप लोगों को Realme Narzo 34G लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Poco की तरफ से Poco M3 फोन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन काफी सही आपको मिल जाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कट जवाब देने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। हेलो सुल्तान, मेरा नाम है किशोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन जिन दो फोन का करने वाले उन दो फोन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी सबसे पहले बात करें अपने Poco M3 के डिस्प्ले डिजाइन की, तो इधर आप लोगों को 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं एंड इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक आपको मिलता है। वहीं बात करते अपने Realme Narzo 30 की, तो इधर आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, बट इधर ट्विस्ट आता है कि इधर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड उसी के साथ इधर आपको पंच होल भी मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिलते हैं एंड इस फोन का डिजाइन मेरे को सही लगा। कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको दोनों में से किस कौन का डिजाइन बढ़िया लगा है। तो भी चलते कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने Poco M3 के साथ। तो इधर आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के छुटकू पुटकू आपको मिल जाते हैं। इधर आप लोग को जो सेल्फी मिलती है आपको 8 मेगापिक्सल की मिलती है। वही बात करते अपने Realme Narzo 30 की, तो इधर भी आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस छुटकू पुटकू 2 मेगापिक्सल वाले आपको मिलते हैं एंड इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो अगेन काफी ज्यादा सही चीज है। वहीं चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने Poco M3 के साथ। तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 18 का 610 का आपको GPU मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Narzo 30 की, तो इधर आपको इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर मिलता है। इधर मिलता है आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, जो आपको 12nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G76 का आपको GPU मिलता है। वहीं चलते हैं अपने Poco M3 के बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो इधर आपको 6000mAh का बैटरा मिलता है, टाइप सी का बोर्ड मिलता है, फोन आपकी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अपने Realme Narzo 30 की, तो इधर आपको थोड़ी सी कम बैटरी मिलती है, 5000mAh की टाइप सी का बोर्ड मिलता है, फोन आपकी 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 30W का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने Poco M3 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टोरेज टाइप के UFS 2.1 एंड 2.2 के। इधर आपको LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर मिलता है एंड ये फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है। वही बात करते हैं अपने Realme Narzo 30 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, Realme UI 2.0 मिल जाता है, 580 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 405 की PPI मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है एंड इधर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। वही बात करते हैं अपने Poco M3 के प्राइस की, तो इधर आपको 6GB की रैम, 64GB की रोम मिल जाती है 11000 के प्राइस पे। एंड बात करते अपने Realme Narzo 30 की, तो इधर आपको 4GB की रैम, 64GB की रोम मिल जाती है 12500 के प्राइस पे। बट अगर आप लोग इस फोन को फर्स्ट सेल के अंदर परचेज करोगे तो आपको 4GB की रैम, 64GB की वाला वेरिएंट आपको 12000 का पड़ जाएगा। तभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया, बट अब बात करते हैं कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया है या किस फोन में क्या प्लस पॉइंट आपको मिलते हैं। वैसे अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले डिजाइन की, तो भाई डिस्प्ले के अंदर अपना Realme Narzo 30 आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको पंच होल मिलती है एंड उसी के साथ इधर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बाकी डिजाइन आपके ऊपर आता है कि आपको डिजाइन किस फोन का पसंद आया है। वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर भी अपना Realme Narzo 30 आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको बेटर सेल्फी मिलती है एंड उसी के साथ आपको बैक साइड में 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो भाई प्रोसेसर में अपना क्लियर जीत जाता है Realme Narzo 30। इधर आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर मिलता है, थोड़ा सा एफिशिएंट कम है क्योंकि 12nm का प्रोसेसर है, बट आपको भाई गेमिंग के अंदर मजा आने वाला है। बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप लोग Realme Narzo 30 की तरफ जा सकते हो। वहीं आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता एंड आपको बड़ी बैटरी भी मिलती है एंड आपको थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर भी मिलता है Poco M3 के साथ, तो आप लोग Poco M3 की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोगों को बढ़िया बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए तो आप लोग Poco M3 की तरफ जा सकते हो। बाकी इस फोन में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा हल्का फोन चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट फोन चाहिए, जहां पर आपको बेटर पीक ब्राइटनेस चाहिए, बेटर PPI चाहिए, तो आप लोग
लोग Realme Narzo 30 की तरफ जा सकते हो। वहीं अपने Poco M3 के अंदर आपको ज्यादा रैम मिल जाती है, कम प्राइस पे 6GB की रैम मिल जाती है, आईआर ब्लास्टर मिलता है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी मिलता है। हाँ, वो बड़े वाले ब्रांड के अंदर मिलता है, बट आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इधर आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं Poco M3 के साथ। बट अगर आप लोगों को कोई बेटर पैकेज वाला फोन चाहिए तो मैं ये बोलूंगा आप लोग Realme Narzo 30 की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। जिधर आप लोग गेमिंग वगैरह अच्छी कर लो, अच्छी डिस्प्ले मिल जाए, कैमरा वगैरह अच्छे मिल जाए, बैटरी वगैरह में आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह बढ़िया मिल जाए एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको बढ़िया मिल जाए, तो आप लोग जा सकते हो Realme Narzo 30 की तरफ। वहीं अगर आपको थोड़ा सा बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए, आपको ज्यादा रैम चाहिए एंड आपको स्टीरियो स्पीकर वगैरह चाहिए, आईआर ब्लास्टर चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो Poco M3 की तरफ। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। मेरे को तो इधर Realme Narzo 30 ज्यादा बढ़िया लगा। अल्ट्रा वाइड नहीं है दोनों फोन के अंदर, वो थोड़ी सी दिक्कत है, बट अल्ट्रा वाइड होता ना तो भाई Realme Narzo 30 तहलका मचा देता, मतलब मजा टाइप आ जाता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।